हेलो दोस्तों, वेलकम। आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑल बुक सॉल्यूशन पे स्वागत है। आज एएसएससी एमटीएस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जीएस के, जो आपके एग्ज़ाम में अक्सर यही रिपीटेड होते रहते हैं। तो चलिए आइए वीडियो को यहीं शुरुआत करते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात, यदि आप चैनल पर नए आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि मैं कोई भी वीडियो बनाऊँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए। इसलिए चैनल। क्वेश्चन नंबर वन, प्रसिद्ध अभिनेत्री रानी मुखर्जी फिल्म में मेहंदी के काम कर चुके उनके किसको स्टार हाल में ही निधन हो गया। इसका आंसर है, करेक्ट आंसर है फराज खान। करेक्ट आंसर है फराज खान, ऑप्शन नंबर ए फराज खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, बसर किसकी नस्ल है? तो इसका आंसर है मुर्गी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? तो सबसे हल्की धातु लिथियम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और रोबोट क्या है? रोबोट क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मनुष्य से मिलता जुलता एक ही यंत्र जो आदि संस्वर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द मोस्ट लैकिंग ड्यू टू द मेलन्यूट्रिशन? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बॉलीवुड अभिनेत्री को वर्ष 2020 में पद्मश्री पुरस्कार मिला? तो किस अभिनेत्री, इसका आंसर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, कंगना राउत को। नेक्स्ट, संकल्प पर भारत सरकार द्वारा जून जुलाई 2020 के दौरान मनाया गया, तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्लांटेशन। याद रखिएगा इन्हें। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक वेल्थ ऑफ नेशन? का बुक का ऑथर कौन है? तो याद रखिए, एडम स्मिथ इसका ऑथर है। ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, थोड़ा और ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सिंचाई के सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है? तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, नहरे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सेल फोन इन द वर्ल्ड? तो सेल फोन सबसे ज़्यादा इस पर, तो कौन सा कंट्री है? का जो कंट्री है वो चाइना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान लोकमान्य तिलक द्वारा लिखा गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है केसरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा प्रधान ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है वॉलीबॉल, याद रखिएगा। दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किया गया, तो इसका करेक्ट आंसर है इनका डी नंबर, इल्तुतमिश, याद रखिएगा, इसके द्वारा किया गया था। और डैश 1961 में पुर्तगालियों से मुक्त किया गया, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गोवा। और लास्ट, विच रिवर इज ऑल्सो नोन एज द दक्षिण गंगा? दक्षिण गंगा से किसे जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 और मैं नेक्स्ट पार्ट पे, थैंक यू फॉर वाचिंग कंप्लीट, और ये मैं नेक्स्ट पार्ट पे क्वेश्चन नंबर 30 तक लाऊंगा, टॉप 30 क्वेश्चन। ये 15 तक वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। तो आप नए तो चैनल पर जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। तो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।